आईक्यू वर्सेस सीक्यू। अब ये क्या नई टर्मिनोलॉजी है, हमने आईक्यू पहले सुना था, फिर ईक्यू सुना था, अब ये सीक्यू क्या है? दिस इज क्यूरियोसिटी कोशेंट। आप कितने क्यूरियस हो ये पता चलता है क्यूरियोसिटी कोशेंट। अब इसके लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं है, आईक्यू के लिए तो बहुत सारे टेस्ट है, राइट? बट नाउ द पॉइंट इज एवरी चाइल्ड इज बॉर्न क्यूरियस। आपको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न क्यूरियस। हाउ? लेट मी आस्क द पेरेंट्स। जब ये बच्चे 3-4 साल के होते हैं और बोलना शुरू करते हैं तो बहुत सवाल नहीं पूछते क्या? बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा। हम लोग इनके सवालों से परेशान हो जाते हैं, उतने सवाल ये लोग पूछते हैं। तो क्यूरियोसिटी तो इनमें बचपन से थी, इट्स एन इनबॉर्न टैलेंट। बट धीरे धीरे ये तो ऐसे ही होता बैठ जाओ, सुन सुन के उनकी क्यूरियोसिटी दब गई, मरी नहीं, दब गई। इफ द क्यूरियोसिटी इज रीकिंडल्ड इन अ चाइल्ड, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड इन एनी फील्ड। कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर क्यूरियोसिटी आ गई तो सक्सेस मिलेगी। एंड इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर आइंस्टीन, दिस इज व्हाट ही सेज अबाउट क्यूरियोसिटी। आप उनको जीनियस समझते होंगे, बट अकॉर्डिंग टू हिम क्यूरियोसिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग अ गुड आईक्यू, बिकॉज आईक्यू कैन बी इम्प्रूव्ड बाय क्यूरियोसिटी।